कैंपचरगंज थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपचरगंज थाना क्षेत्र के मछली गांव के निकट परसौनी गांव के निवासी कृष्णा मुरारी ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उनके पुत्र सोनू डीजे बजने के स्थान पर उनका पैर किसी से टकरा गया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिससे दूसरे पक्ष ने चेले से मारा पीटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको रास्ते में ही हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है, जल्द ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 1/1/2023 को श्री कृष्ण मुरारी निवासी परसौनी थाना कंपेरगंज ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उनके पुत्र सोनू, जो कि कल रात्रि में दिनजी देवी जिनके घर डीजे बज रहा था वहां पर गए हुए थे, जहां पे किसी बात को लेकर विवाद हो जाने पर रिंजी देवी व उसके परिजनों ने सोनू पर मारपीट करके छोटे पहुंचाए। सोनू को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां आज प्रातः उसका निधन हो गया। इस सूचना पर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।